बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली खत्म हो जाती है। दही में चने डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम होता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करो। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी से बदन में मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर हो जाती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट पड़ जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। चमेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। मादा कमजोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खा लिया करो। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आ जाती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। अगर भूख न लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मसाले की कमजोरी दूर होती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है।